काबिल साद इतराम, आज मुहर्रम अल हराम की 10 तारीख है और आज पूरे आलम इस्लाम में हज़रत इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो आपका जो योम शहादत है वो लोग अपने अपने अतवार और अपने अपने तरीक़ों से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अल्लाह तो बेहतर जानता ही है, लेकिन एक बाशऊर आदमी भी बेहतर जानता है कि इनमें ठीक ठीक क्या है और क्या क्या ठीक नहीं है। और अहले सुन्नत हों या अहले तशय्यो हों, इमाम हुसैन की शहादत का जो अंदाज़ हमने एसी में बैठकर उसको बयान करने का अपनाया है या हम अपनाते हैं, और जो हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है छोटे से लेकर बड़े तक, मैं अपनी ज़ात की हद तक तो गारंटी से कहता हूँ कि इमाम अली मकाम का कभी भी ये लाइफस्टाइल नहीं था, और कभी भी सिर्फ लंगर की तकसीम पे बच्चों और बड़ों को इकट्ठा करके वाक़े करबला मना के दुआ कर देना और नेटवर्क बंद कर देना या घरों में बैठ जाना, इससे मैं अपनी ज़ात की हद तक अल्लाह को गवाह जान के कह रहा हूँ, ना अहले सुन्नत से इमाम खुश हैं और ना अहले तशय्यो से इमाम पाक खुश हैं। हम एक करामत बयान करते हैं बड़े सादा से अल्फाज में और आगे निकल जाते हैं कि जब इमाम पाक का सर कट गया और वो नेज़े के ऊपर था, तब भी कुरान की तिलावत की आवाज़ उससे आ रही थी, तो उस वक़्त शिया और सुन्नी कहाँ चले जाते हैं? हमारे मुआशरे के 97% लोगों को कुरान पढ़कर समझना नहीं आता, और इमाम अली मकाम की मोहब्बत के नारे देख लें तो सारी दुनिया नारे लगा रही है। इसलिए आज के दिन पहला और आखिरी सबक आपके लिए ये है कि इमाम अली मकाम की सुन्नत पे अमल कर लें और कुरान की तरफ आ जाएं, वरना आपकी नस्लों में और मेरी नस्लों में कोई हाथ उठाकर दुआ करने वाला भी नहीं रहेगा। मैं और आप आज भी एक मस्जिद के इमाम के मोहताज हैं, हम उसके बग़ैर अपनी मैयत को गुसल नहीं दे सकते, हम उसके बग़ैर अपने बाप माँ का जनाजा नहीं पढ़ा सकते। क्यों? कि हमारे पास पैसे हैं, हम गुसल के भी पैसे दे देंगे, कब्र खुदवाई के भी पैसे दे देंगे, और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह अपने बाकी काम करते रहेंगे। जो बाकी बच गया वो मदरसे से बच्चे बुला के कुल का ख़त्म भी पढ़वा लेंगे, 40वां भी हो जाएगा, 6 महीने का ख़त्म भी हो जाएगा, मेरे रोने की कसर बाकी रह जाएगी, तो मैं किसी को माँ की शान पढ़ने के लिए बुला लूँगा, वो मुझे भी रुला देगा, महफिल भी रुला देगा, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इसके अलावा ना को ज़िंदगी का मकसद है और ना को मरने का मकसद है। मैंने दो जुमों पे और आगे ज़िंदगी रही तो जो जुमे आएंगे उसमें अहले सुन्नत के चंद अकायद आपकी खिदमत में पेश किए और आगे जुमों पे करूँगा कि अहले बैत हमारे यहाँ 5 लोगों में बंद नहीं है, हम सिर्फ 5 लोगों को अहले बैत नहीं मानते, हम से मुराद 14 सदियों के अहले सुन्नत हैं। आके दो जहाँ की ज़ात वराउल वरा है, अम्बिया में भी कोई आप जैसा नहीं है। जनाबे मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो अपना एक मकाम इम्तियाज़ वाला रखते हैं और कुछ जिहतों में शायद ये मकाम किसी और सहाबी को भी नसीब नहीं, और आपकी बीवी वो बीवी है कि जिस जैसी बीवी कायनात में और कोई नहीं, जो हज़रत अली अल मुर्तज़ा की बीवी, और अगर उनको बेटी के लिहाज से देखा जाए तो कायनाते अर्जी में कोई ऐसी बेटी भी नहीं जैसी बेटी जनाब फ़ातिमा तुज़ारा सैयद कायनात हैं। हसनैन करीमैन का मकाम वराउल वरा है। जामे तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है कि आका दो जहाँ ने इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इन दोनों के हाथ को पकड़ा और फरमाया, मन अहब्बनी, जो मेरे साथ मोहब्बत करता है, व अहब्बा हाज़ैन, और हसन व हुसैन से मोहब्बत करता है, व अबाहुमा, और इनके बाप से मोहब्बत करता है, व उम्मा हुमा, और इनकी माँ से मोहब्बत करता है, काना माए यफ़ी दराजती यौमल के या माँ, जैसे मैंने हसन व हुसैन का हाथ पकड़ा हुआ है क़्यामत के दिन वो इसी तरह मेरे हाथों में होगा, और ये उसको अल्लाह मकाम अता फरमाएगा। इन 5 शख्सियात का तो मकाम ही वराउल वरा है, लेकिन अकीदे की खराबी सदियों से मुसलसल चलती आ रही है, तो ये बात नोट कर लें। और पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ, अहले सुन्नत के यहाँ अहले बैत में हजूर की बीवियाँ भी दाखिल हैं, और हजूर की बेटियाँ और बेटों की
حضرت فاطمہ کے علاوہ جو اولادیں ہیں وہ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں اور اس کو اپنی نسل تک پہنچا دیں کہ اہل بیت صرف پانچ لوگ نہیں ہیں، حضور کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن ان پانچ لوگوں کو بشمول آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، آقا دو جہاں نے ہر مقام پر ان کو ممتاز مقام عطا فرمایا۔ آیت تطہیر اتری کہ اللہ اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اور اے اہل بیت اللہ نے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا ہے۔ بات ازواج کی تھی، حضور نے اپنے پانچ تن کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی اور عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دی۔ پھر اور آیت مبہلہ اتری تو آقا دو جہاں انہی شخصیات کو ساتھ لے کر گئے، حضور کو سب سے بڑھ کر ان سے محبت تھی، اس لیے یہ پانچ تن بھی پاک ہیں اور گیارہ تن حضور کی بیویاں ہماری مائیں بھی پاک ہیں۔ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ نے واقعہ کربلا بیان کرنا ہے، جس کو میں عمومی طور پہ بیان نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی معتبر 14 صدیوں میں اہل سنت کی کوئی کتاب بھی نہیں دیکھیں گے جس کے اندر A to Z پورا واقعہ کربلا بیان ہوا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں، کوئی معتبر کسی آدمی کی آپ وہ کتاب نہیں دیکھیں گے جس میں A to Z پورا واقعہ کربلا، جو روایتی واقعہ بن چکا ہے ممبر اور محراب کا، کسی معتبر شخصیت نے اتنی صدیوں میں بیان کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا کربلا میں، اور جو صاحبزادیاں تھیں اور خواتین تھیں اہل بیت کی، ان کے علاوہ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ، جن کی عمر تقریباً 21 سال ہے اور کوئی اہل بیت اور خدام میں سے باقی نہیں بچا تھا، تو بیان کرنے والے کون ہیں ان روایات کو؟ کچھ قصہ گوئی کی باتیں بھینٹ چڑھ گئیں، جس کے ذہن میں جو آیا، کہیں سیلف آرگنائزڈ ایک جذبہ تھا جس کو بیان کرتے کرتے چیزیں بہت آگے چلتی گئیں، لیکن ایک دو کتابیں مناسب سی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے سوانح کربلا، اور وہ لکھی ہے سید علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے نام پر جامعہ نعیمیہ کی پوری چین تھی، اور جنہوں نے تفسیر نعیمی بھی لکھی، اور ان کا زمانہ ہے تقریباً پیدائش 1883 میں، اور ان کا جو وصال ہے وہ تقریباً بنتا ہے 1949 میں۔ انڈیا میں مراد آباد میں ان کا پورا نظام تھا، جہاں سے یہ جامعہ نعیمیہ اور یہ بزرگ پڑھ کر آئے، اور پھر جو تعلیم ہے وہ مزید آگے چلائی۔ جس دوست نے یہ کتاب پڑھنی ہو وہ سافٹ کاپی مجھ سے کسی بھی ٹائم پہ لے سکتا ہے، کوئی 200 سے بھی کم صفحات ہیں، لیکن اعلیٰ انداز میں بہترین طریقے سے واقعہ کربلا کو بیان کی ہے۔ میں چند باتیں اسے آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ جب یزید جو ہے وہ خلافت پہ متمکن ہو گیا، تو 4-5 لوگ وہ تھے جو امام عالی مقام اور ان کے ساتھ 4-5 لوگ مزید تھے، جو یزید کے لیے بہت بڑا چیلنج تھے کہ اگر یہ لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں تو پھر مکہ کیا، مدینہ کیا، دمشق کیا، شام، عراق کیا، پورا عالم اسلام میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لے گا۔ باقی تو صحابہ بھی تھے۔ واقعہ کربلا کس ہجری میں پیش آیا؟ 61 ہجری میں۔ اور آخری صحابی دنیا سے کب تشریف لے گئے ہیں؟ تقریباً 110 ہجری میں آخری صحابی، حضور کا غلام، جس نے حضور کی مجلس میں حالت ایمان کو میں حضور کو دیکھا، حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہوا، وہ آخری صحابی کے سن کو وصال فرمایا 110 میں۔ واقعہ کربلا کے بھی کتنے سال بعد؟ 39 سال یہ، اور آپ کے 10 سال وہ، کتنے سال؟ پتہ چلا واقعہ کربلا کے بعد بھی 49 سال تک، نصف صدی تک ابھی صحابہ کرام دنیا میں موجود تھے۔ اور یزید جب خلیفہ بن گیا تو یہ 4-5 لوگ ان صحابہ میں بڑے پرومیننٹ تھے، باقی بھی صحابہ تھے لیکن یہ اپنا اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اور یزید کو ان سے خوف بھی تھا۔ وہ لوگ کون تھے؟ ان میں سے سب سے پہلا نام حضرت امام علی مقام، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس سے یزید کو خوف تھا ان سے۔ اور دوسری بڑی شخصیت تھی، کیونکہ آپ تو نواسۂ رسول بھی تھے، آپ صحابی رسول بھی تھے، اور دوسری بڑی شخصیت تھی حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت عباس حضور کے چچا تھے،
हज़रत अब्दुल्ला उनके बेटे थे, हजूर के फिर हज़रत इमाम हुसैन के क्या लगे, हजूर के अगर चचा के बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला तो इमाम अली मकाम के साथ उनका ताल्लुक तो बुज़ुर्गी वाला ताल्लुक है। तो दूसरे साहबी थे अब्दुल्ला बिन अब्बास। ये बातें आपने याद रखनी है, ज़्यादा मैं मुश्किल में नहीं ले जाऊँगा, एक तायराना सी नज़र में, ताकि चंद बातें आपको याद हो जाएँ। पहली शख्सियत जिस जिन से यजीद को खौफ था वो सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला, और इनका बाप अशरा मुबशरा में से भी है, इस्लाम का बहुत बड़ा खलीफा भी है, और जनाब सैयद कायनात का शौहर भी है, और कायनात में वराउल वरा उसको मकाम हासिल है। और दूसरी शख्सियत हज़रत, आप बोलेंगे मेरे साथ जी, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिनको नबी पाक सल्लम ने दुआ अता फ़रमाई कि अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, अल्लाह इनको दीन की समझ अता फ़रमा। और दुनिया की पहली तफसीर कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने लिखी, जिसका नाम है तनवीरुल मिकयास, आज उर्दू तर्जमे के साथ भी मार्केट से मिल जाती है। कितनी शख्सियात हो गई, दो। तीसरी शख्सियत थी हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के बेटे, जिनका नाम था अब्दुल्ला बिन उमर। पहले का नाम था अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये थे अब्दुल्ला बिन उमर, और एक और अब्दुल्ला थे जो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला के बेटे थे। हज़रत ज़ुबैर भी अशरा मुबशरा में से थे और उनके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था। अब अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और चौथी बड़ी शख्सियत है इमाम अली मकाम की, ये चार शख्सियात यजीद के रास्ते का बहुत बड़ा पत्थर थी। अब सुने कि आगे क्या हुआ, जब यजीद मसनद खिलाफत पे बैठ गया, उसने परवाना भेजा कि इनसे बैत ली जाए, तो वहाँ पर जो चार लोग थे उनमें से दो का की जो राय है वो इसी मकाम पर इख्तलाफी होगी। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया मैं तो नहीं कर सकता, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने भी फरमाया मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता। पीछे कौन रह गए, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास। ये दोनों शख्सियात कहती हैं भाई उसकी बैत करने में कोई हर्ज नहीं, कि जितना खून खराबा उम्मत के अंदर होगा आप ज़रा पहले जाके देखो, आज से 20 साल, ये दोनों साहबा चारों आपस में गुफ्तगू करते हैं कि ज़रा 20 साल पहले जाके देखो कि वहाँ क्या हुआ था। वहाँ यजीद का बाप हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इमाम हसन के मुकाबले में खड़े हुए थे, हज़ारों फौजें एक दूसरे के मुकाबिल थीं, अगर यही बात अब आ गई तो उस वक्त तो जय्यद साहबे कराम थे, तो आज तो वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, वो एक अपनी राय का इज़हार और अमली मैदान में हमारे साथ कैसे चल सकेंगे। ज़ाहिर है जी वो बात थी 20 साल पहले की जब हज़रत अमीर मुआविया खलीफा बने, और वो उससे भी 20 साल पहले दमिश्क और शाम में मरकज़ की तरफ से गवर्नर रह चुके थे, तो ये पूरा इक्तदार को कितने साल हो चुके थे, 40 साल तक। और ये मारूजी सवाल ज़हन में रख लें, उम्मत मुस्लिमा में सहाबा कराम के दौर में जिसने सबसे ज़्यादा मुस्लिम उम्मा पर रूलिंग और हुक्मरानी की है वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 20 साल शाम में, दमिश्क में, इराक में गवर्नर के तौर पर, और ये किस दौर से चले, जनाब हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली अल मुर्तज़ा, और फिर हज़रत इमाम हसन के बाद आप मरकज़ के अंदर जब हुक्मरान बने, तो टोटल साल कितने हो गए, 40 साल। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं भाई हमारी राय ये है कि उसकी बैत कर ली जाए, वो जैसा भी है हम अगर बैत कर लेंगे तो ये मुकाम दोबारा नहीं आएगा जो आज से 20 साल पहले फ़ौजों के आमने सामने होने में आ चुका है। ये दोनों शख्सियात की राय अलग हो गई और इन्होंने बैत का इरादा कर लिया, और हज़रत इमाम अली मकाम और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर इन दोनों ने बैत से इनका, ये है पहला स्टेप जो आगे वाक़िया करबला की तरफ लेके जाता है। मैं चार साहबा की बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनसे बाकायदा खौफ था यजीद को, वरना तो हज़ारों साहबा इकराम और भी मौजूद थे, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि आखिरी साहबी कब फौत हुए, 110 में, अभी तो 49 साल और साहबा ने चलना है, और इमाम आज़म अबू हनीफा की पैदाइश होती है 80 हिजरी में, 80 हिजरी में, और आपने साहबा की ज्यारत की है और आप ताबी हैं, और आगे फिर चलें तो कितना सारा दौर मज़ीद बाकी है। अब जब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया तो दो साहबा कराम जो बड़े थे वो तो अलग हो गए,
अब पीछे रह गए हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। हज़रत इमाम हुसैन को ख़तूत आने लगे कि आप हज़रत अली मुर्तज़ा के बेटे हैं और हमारा दिल, हमारी तलवारें, हमारी हर चीज़ आपके साथ है, आप वहाँ से छोड़ दें मदीना तैयबा को और आप हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ। अब ये खतूत की जो तादाद है ये लोग हज़ारों में भी बयान करते हैं, जो मैंने आपको किताब बताई है इसके अंदर 150 के करीब खतूत हैं जो कूफा से लोगों ने लिखे इमाम पाक को कि आप इधर आ जाएं, हम आपके साथ हैं। और ये जो लिखने वाले थे ये तो 150 थे, लेकिन वहाँ जो आबादी थी वो लाखों की तादाद में थी। लाखों की तादाद में ना भी हो तो लाख या कम अज़ कम इसके राउंड अबाउट ज़रूर थी, क्योंकि जब पहली शख्सियत गई हज़रत मुस्लिम बिन अकील तो वहाँ 40,000 लोग थे जो आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार थे। जब ये परवाना आया बैत का और चार सहाबा में इख्तिलाफ़ राय हुआ, बाकी सहाबा का तो अपना अपनी अपनी जगह पर था कि जहाँ बड़े बैत करेंगे वहाँ हम भी पीछे चले जाएंगे, नहीं करेंगे तो हम भी इन्हीं के साथ ही हो जाएंगे। उस वक्त इमाम आली मकाम ने मदीना तैयबा छोड़कर मक्का मौज़मा का रुख फरमाया कि मैं अब उधर चला जाता हूँ और उसके बाद देखी जाएगी कि क्या होगी। अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर मदीना में रहे, हज़रत इमाम अली मकाम और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर इन दोनों ने कहाँ के लिए रखते सफ़र बांधा? मक्का मुकरमा के लिए। ये जाके मक्का में आबाद हो गए, मक्का में खतूत का सिलसिला शुरू हुआ। अब यहाँ पर दो जो बड़े लोग थे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, यहाँ फिर दो सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ़ राय हुए। अब किया क्या जाए? इमाम अली मकाम का मौक़िफ था कि हमें अगर कूफा वाले बुला रहे हैं और कूफा ममलकत इस्लामिया का मरकज़ है, कैपिटल है, जो हज़रत अली अल मुर्तज़ा लेके गए थे, वरना इससे पहले हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हिजाज़ मुक़द्दस ही मुसलमानों का दारुल खिलाफ़ा रहा। हज़रत अली अल मुर्तज़ा लेकर गए, वहाँ हज़रत अली से मोहब्बत करने वाले और लोग भी थे जिनमें से कुछ के अकायद गलत भी थे, जो कुछ वो थे जो हज़रत अली को बहुत आला शख्सियत मानते थे यानी गुलव के साथ, कुछ वो थे जो हज़रत अमीर मुआविया को बहुत आला मानते थे, और कुछ कहते थे माज़ अल्लाह ये दोनों ही गलत हैं और दोनों के ख़िलाफ़ लड़ना और कुरान उठाना, तलवार उठाना, जाम शहादत नोश करना ये हमारा वतीरा है, इन्हीं को खवारिज कहा जाता। तो बहुत सारी चपकलेश और फितना ये कूफा में पहले से जो है वो बुलंद था, लेकिन कूफा वालों ने कहा कि इमाम पाक आप हमारे पास आ जाएँ। अच्छा, इमाम पाक ने फौरन वहाँ से निकलने का इरादा नहीं फरमाया। कहाँ से? मक्का से, क्योंकि आप मदीना से कहाँ शिफ्ट हो गए? मक्का में। आपने सबसे पहले बाकी लोगों की राय के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की एक राय का आपने एहतराम किया कि ठीक है, आप अगर फरमाते हैं कि मैं ना जाऊँ तो हम एक काम कर लेते हैं, हम पहले किसी अपने ख़ानदान के बंदे को भेज देते हैं। तो आपने जिस शख्सियत को भेजा वो हज़रत मुस्लिम बिन अकील थे, आपके चचाजात थे, हज़रत अकील के बेटे थे मुस्लिम बिन अकील, और दो बेटे इनके साथ थे जिनके किताबों में नाम लिखे हैं हज़रत मोहम्मद और हज़रत इब्राहिम। ये किसके बेटे हैं? मुस्लिम बिन अकील के। ये तीन शख्सियात हज़रत मुस्लिम बिन अकील और इनके दो साहबजादे जिनकी उम्रें छोटी हैं, अभी बहुत बड़े नहीं हैं, ये जब गए कि कूफे के लिए पता करो जाके, तो वहाँ कूफा वालों ने बड़ा वेलकम किया हज़रत मुस्लिम बिन अकील को, हर लिहाज से आहो भगत की कि खानवादे बनु हाशिम का एक शख्स हमारे पास आया है, और उनको बड़ा पुरतपाक तरीके से वेलकम किया। जब इमाम मुस्लिम बिन अकील ने ये देखा तो इमाम अली मकाम के लिए ख़त रवाना फरमा दिया कि हजूर किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं, कूफा वाले सारे हमारे साथ हैं, इनकी तलवारें भी हाज़िर हैं, इनके दिल भी हाज़िर हैं, इनकी गर्दनें भी हाज़िर हैं, अब आप तशरीफ़ ले आएँ। अब इमाम अली मकाम चल पड़े। तकरीबन 72 अफराद हैं अहले बैत के, टोटल 82 अफराद का काफ़िला 3 ज़ुलहज्जा 60 हिजरी को, क्योंकि 61 में आगे हो रहा है ना मुहर्रम में, तो 3 ज़ुलहज्जा 60 हिजरी को 82 अफराद पे मुश्तमिल ये काफ़िला मक्का से रवाना होता है टूवर्ड कूफा। अब हालात कुछ ने पलटा यूं खाया कि जब मुस्लिम बिन अकील के पीछे 40,000 लोगों की नमाज़ें देखी तो फिर उस वक़्त कूफा का गवर्नर भी चेंज कर दिया गया और इब्ने ज़ियाद को गवर्नर बना के भेजा गया। अब इब्ने ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को और आपके जितने भी साथ थे लोग, इनको डराया, धमकाया, इनको कैद किया, हत्ता कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील को अपने ऑफिस में सेक्रेटेरिएट में बुलाकर वहाँ पर शहीद कर दिया।
حضرت مسلم بن عقیل کو اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی شہید کر دیا. لیکن یہاں ہو کیا چکا تھا, حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ جب پہنچے لوگوں نے وارم ویلکم کیا اور خط لکھ دیا کہ اے امام آپ تشریف لائیں, لیکن حالات نے فوراً پلٹا کھا دیا, گورنر تبدیل ہو گیا, ابن زیاد گورنر بن گیا اور اس نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. امام علی مقام کو تو کسی نے ابھی خبر نہیں کی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے. اب امام پاک کا قافلہ چل پڑا, آپ جب قریب آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ معاملہ تو خراب ہے. راستے میں 7-8 لوگ آپ کو ملے جو تاریخی باتیں, ان میں سے شاعر قسم کے لوگ بھی تھے, ان میں بہت سارے اور لوگ بھی تھے, اور بڑی مشہور سی باتیں ہیں کہ آپ کو انہوں نے مشورہ دیا کہ امام آپ تشریف نہ لے جائیں کوفہ میں. کیوں؟ ان کے دل میں آپ کے ساتھ دھڑکتے دیکھ رہا ہوں, لیکن ان کی تلواریں میں یزید اور ابن زیاد کے ساتھ دیکھ رہا ہوں. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے اب قصد کر لیا ہے تو میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں. اب بجائے وہاں پہنچنے کے, راستے میں جب جو وہاں کے تھے کمانڈر تھے ان لوگوں نے آپ کو وہاں راستے میں روکا, بجائے وہاں جانے کے آپ کربلا تشریف لے گئے. یہاں جو 4-5 مزید شخصیات ہیں جن کا ایک گندا کردار ہے اس تاریخ میں اور لوگوں کے عقائد بھی اس حوالے سے بڑے متذبذب ہیں, ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو ابن سعد ہے. میں کل پرسوں بھی ایک کلپ سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا صحابہ کی اولاد نے نواس رسول کو شہید کر دیا, تو ان میں ایک ابن سعد بھی تھا, اور ابن سعد ایک بہت بڑی عظیم شخصیت کا بیٹا تھا جن کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے نام سے یاد کرتے ہیں. حضور کے ماموں بھی تھے, یہ ان کا بیٹا تھا, لیکن اسلام میں بیٹے کی گارنٹی کبھی باپ کے ذمہ نہیں لی گئی. لیکن ہمارا بینگ مسلم یہ فرض ہے, اس لیے اسلام اس پہ زیادہ زور دیتا ہے کہ تربیت اولاد بہتر طریقے سے کیا کرو. اب آپ دیکھیں کہ فاتح ایران کون ہے حضرت عمر کے دور میں, سعد بن ابی وقاص. ایران فتح کس نے کیا؟ ایران و عراق دونوں سپر پاور فتح کس نے کی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے. لیکن یزیدی جو ٹولہ ہے ابن سعد ان کا بیٹا, یہ اسی لشکر کا جو ہے وہ کمانڈر ان چیف ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ 82 لوگوں کے مقابلے میں تاریخی روایات کی روشنی میں تقریباً 22,000 کا لشکر ہے جو ابن زیاد اور ابن سعد نے حضرت امام حسین اور آپ کے خاندان کے لیے تیار کر رکھا. اب یہاں کے بعد جتنی چند دن آپ نے سٹے کیا, اور جب 10 سفر کب شروع ہوا تھا؟ 3 ذوالحجہ کو, اور اس کے بعد یہاں پہنچتے پہنچتے یہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ظاہر ہے سمجھتے ہیں کس چیز پہ تھا, پیدل تھا, سواریوں کے اوپر تھا, گھوڑوں پہ تھا, خچروں پہ تھا, مختلف چیزوں پہ تھا, اس کو بھی وقت لگا. اور پھر وہاں 8-10 دن جو ٹھہراؤ رہا جہاں پر گفتگو ہوتی رہی, اور پھر امام علی مقام نے آخر وہ بات بھی فرمائی کہ ٹھیک ہے مجھے تم یزید کے پاس لے چلو, میں یزید کے سامنے اپنا موقف رکھ دیتا ہوں. اس نے مان لیا تو ٹھیک, نہ مانا تو میں اپنا اور معاملہ مینج کر لوں گا. لیکن یہاں بھی پھر امام پاک کی بات کو نہ سنا گیا. آخر وہ دن آیا جو 10 محرم کا دن تھا اور 61 ہجری کا دن تھا, اور تاریخی روایات کے مطابق وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا جب وہ واقعہ کربلا پیش آیا جس کی یاد میں آج پوری امت مسلمہ اپنے طریقوں سے چیزوں کو بیان کر رہی ہے اور سیلیبریٹ کر رہی ہے, اور میں بھی آپ کے سامنے اسی چیز کو بیان کر رہا ہوں. اب یہاں جو اندر کے واقعات ہیں ان کا تاریخی کوئی معتبر ایسا ثبوت نہیں ہے. ظاہر واقعات ہیں جی, تیر کہاں سے آیا, وہ کیسے لگا, وہ پانی کیسے بند ہوا, مظالم کیسے ہوئے, یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں. لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے اگر ہم ان کازز کو دیکھ لیں, ان اسباب کو دیکھ لیں, اور ان نتائج پہ غور کر لیں جو دنیا آج بھگت رہی ہے, تو شاید ہماری محفلیں بڑے کام کی بن سکتی ہیں. امام پاک شہید کر دیے گئے, آپ کے خاندان کے 72 افراد شہید کر دیے گئے, جو چند لوگ ساتھ بچے خواتین اور ایک آپ کی اولاد میں سے امام زین العابدین, جن کی عمر مبارکہ میں نے عرض کی کتنی تھی, 21 سال کی قریب تھی. یہاں سے پھر یہ لوگ سارے کے سارے یزید کے دربار میں لائے گئے. امام زین العابدین بھی ان کے ساتھ ہیں, اور جو خواتین ہیں کچھ اہل بیت کی وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. یہاں ایک ہے شمر, جس نے اہل بیت کو جو ہے وہ قیدی بنا کر یزید کی بارگاہ میں پیش کیا, اس کا نام کیا ہے؟ یہ شمر ہے. ایک اور برا نام بڑا تاریخ میں خولی کا ہے, جس کو خولی بن یزید کہتے ہیں, اس کو خولی بھی پڑھتے ہیں لوگ. تو یہ وہ بدبخت اور شکی آدمی ہے کہ جس نے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا, خولی بن یزید. میں آگے بھی چلتا ہوں کہ آگے پھر بات کیا ہوئی.
इस जंग के दौरान जो वाकया करबला का दिन हुआ अहल बैत और यजीद और इबन ज़ियाद और इबन साद की जो फौजें हैं उनके दरमियान, यहाँ दो अजीम शख्सियात थीं जिनकी किस्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तब्दील कर दी, और वो थे हज़रत हुर बिन यजीद और एक उनके भाई थे जिनका नाम था मुसअब बिन यजीद। अच्छा, आप ये भी बात ज़हन में रखें, आप बहुत सारे लोगों का नाम यजीद देखेंगे, बस एक टाइटल था और एक नाम बड़ा मशहूर हो गया था कि लोग यजीद रखते थे, जिसका माना ज़्यादती यानी बढ़ोतरी भी था, एक अच्छा और बड़ा नाम शुमार किया जाता था, लेकिन एक बदबख्त का नाम भी यजीद था। इसलिए इन लोगों को आप यजीद की औलाद ना समझें, ये बाकी लोगों की औलाद हैं, लेकिन चूंकि बस एक हवा चल पड़ी थी कि लोग अमूमी तौर पर नाम क्या रखते थे, यजीद रखते थे, तो ये बदबख्त निकला, तो ये नाम ही अब सफ़े हस्ती से मिट गया। मेरा ख्याल है आज कोई 7.5 अरब दुनिया की आबादी में कोई जो अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं उनमें शायद ही किसी बंदे का नाम यजीद हो, इसलिए तारीख से मिट गया है, लेकिन बहुत सारे मुहद्दिसीन का नाम भी यजीद है, और उनमें ख्याल किया जाए कि ये वो यजीद नहीं है, ये जो बदबख्त यजीद है जो इमाम अली मकाम के लिए मुश्किलात खड़ी करने वाला है। तो हुर बिन यजीद और मुसअब बिन यजीद रज़ी अल्लाह तआला नुमा, ये वो दो शख्सियात हैं कि इमाम अली मकाम का आधा ख़ानदान जब शहीद हो गया, अल्लाह ने मुखालिफ लश्कर से इनको तौफीक दी कि इमाम अली मकाम के कदमों पे आप कर ढेर हुए, और इन दोनों ने इनकी तरफ से जाम शहादत नोश किया। तो ये भी दो शख्सियात ज़हन में रखें, एक हज़रत हुर बिन यजीद और एक हज़रत मुसअब बिन यजीद, ये दोनों सगे भाई थे और इमाम की खिदमत जो है वो पेश हुए। इमाम अली मकाम की उम्र मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी थी, आपकी बवक्ते शहादत उम्र तकरीबन कितनी थी, 57 साल, और अगर इसको एग्जैक्ट दिनों में गिने तो जिस किताब का मैंने हवाला दिया है, आप जो मैंने कहा है कि आप मुझसे ले सकते हैं सॉफ्ट कापी, उसमें आपकी उम्र मुबारक 56 साल 5 माह और 5 दिन लिखी है। तो इमाम अली मकाम की उम्र उस वक़्त इतनी थी, और दिन कौन सा था, जुमा का दिन था। अब चंद एक अहादीस मुबारक जो हमारी मोतबर किताबों के अंदर मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे वो चंद बातें भी शेयर करूँ। जब ये बात हो गई, इमाम अली मकाम शहीद हो गए, उसके बाद हमारी मोतबर हदीस की किताबों में कुछ बातें ऐसी मौजूद हैं जिनको कुछ लोग नहीं सही भी समझते, लेकिन मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। इमाम हाकिम ने और इमाम बेहकी ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजूर की बीवी और हमारी माँ हैं, जो हजूर की बीवियों में सबसे आखिर में गालिबन 78 साल की उम्र में इस वाक़े करबला के भी बाद में आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गईं, हजूर की बीवियाँ और हमारी माओं में वाक़े करबला के मौका पर भी हज़रत उम्मे सलमा मौजूद थी, यानी ये नहीं कि करबला में मौजूद थी, लेकिन उस वक़्त आप बकायदे हयात थी, आप जिंदा थी। हदीस की रवायत ये है कि आके दो जहाँ को हज़रत उम्मे सलमा ने नबी पाक सल्लम को ख्वाब में देखा, तो आके दो जहाँ के सर मुबारक और आपकी रीश मुबारक पर गर्दो गुबार है। उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया कि अगर आपकी बारगाह में सवाल करूं कि अल्लाह के हबीब आज आप इस हालत में क्यों हैं कि आपके सर मुबारक के बाल और आपकी रीश मुबारक जो बाल हैं ये एक गर्दो गुबार क्यों हैं, तो आपने फरमाया अभी इमाम हुसैन के मक्तल में मैं गया था, यानी इमाम तो हम कह रहे हैं ना, मुहद्दिसीन कह रहे हैं, मैं अभी हुसैन के मक्तल में गया था। और इस हदीस मुबारक को दलाइल नबुव्वा इमाम बेहकी ने जिक्र किया है, जिसको अहले सुन्नत अपना एक सोर्स समझती है। तो लोग अब यहाँ पर ज़्यादा गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं, उसकी वजह यह है कि ख्वाब में किसी अजीम शख्सियत का आना कुरान और सुन्नत से साबित है या नहीं, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ख्वाब आते हैं, और आके दो जहाँ का ख्वाब आना और उम्मे सलमा हज़ूर की जौजा हमारी माँ जैसी शख्सियत का उसको बयान कर देना हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स है। तो आपको ख्वाब आया, आपने ख्वाब देखा, आके दो जहाँ की ज्यारत की और आपने फरमाया कि मैं अभी हुसैन के मक्तल में गया था, इसको दलाइल नबुव्वा इमाम बेहकी ने ज़िक्र किया है। एक और इमाम बेहकी ने रवायत ज़िक्र की है, हज़रत इमाम अली मकाम जब शहीद किए गए तो आप फरमाते हैं आसमान से खून बरसा, सुबह को हमारे मटके हमारे घड़े और तमाम बर्तन खून से भरे हुए थे। एग्जैक्ट हदीसों का नंबर इस किताब के अंदर मौजूद है, बड़ी आला तखरीज के साथ इन्होंने ये किताब छापी है। एक और हदीस मुबारक है, जिस दिन इमाम पाक शहीद किए गए उस रोज़ बैतुल मुकद्दस में जो पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे ताज़ा खून पाया जाता था। तो ये सारी बातें इनको अकल तस्लीम करती है, क्यों कि इस तरह की बातें पहले बनी इसराइल में देखी जा चुकी हैं, भाई उन पे अजाब आ गया मेंढकों की शक्ल में,
तूफ़ान नूह आया तो चूल्हों से भी पानी निकल आता था, खून का अजाब, जुओं का अजाब बनी इसराइल पे आ चुका। तो अगर अजाब आया था तो ये भी तो उम्मत के लिए एक अजाब के साइन की कैफियत थी और वाक़ करबला की याद थी। एक और हदीस मुबारक है दलाइल नबुवा की कि यजीद के लश्करियों ने लश्कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में एक ऊँट पाया तो उन्होंने कहा कि इसको भी माल गनीमत में ही पकड़ लो। इमाम अली मकाम के लश्कर का ऊँट यजीदी लेकर गए और जब जश्न मनाते हुए इमाम पाक के सर मुबारक को यजीद के पास ले गए तो आप समझते हैं कि फिर वो कितनी आओ भगत के साथ गए होंगे यजीद की शाबाश लेने के लिए। तो उन्होंने इमाम अली मकाम के उन ऊँटों में से एक ऊँट को ज़बह किया और पकाया। तो फरमाते हैं रवायात में आता है जो इमाम बेकी ने जिक्र की है कि वो ऊँट ऐसे उसका गोश्त कड़वा हो गया जैसे तुम्बा कड़वा होता है। तुम्बा समझते हैं ये हदीस के अल्फाज हैं, ऐसे कड़वा हो गया जैसे तुम्बा कड़वा होता है और उसको लश्करियों में से कोई भी नहीं खा सका। यानी ये वो बात है जिस पे आसमान भी जो है वो नोहा कुना है और ज़मीन के दरख्त भी, पत्थर भी, हत्ता के जानवर भी नवासे रसूल की जो शहादत है उसके गम के अंदर मुब्तला है। तो ये आगे मज़ीद जो है वो बातें अभी चल रही हैं, आप किताब आपके पास आएगी तो आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। छोटा सा फेज़ मैं इससे अगला चंद मिनट में वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वाक़ करबला हो गया, इमाम पाक शहीद कर दिए गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके ख़ानदान में से बचे जिससे फिर आगे पूरी नस्ल चली इमाम पाक की और पूरी आले रसूल चली। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे किसके थे? इमाम हुसैन के, और इनके भाई इमाम हसन थे और उनसे पहले जनाब अली अल मुर्तज़ा थे। ये वो लाइन है जो आइम्मा अहले बैत की लाइन है। मैं आपकी फ़िक्र ठीक ये करना चाहता हूँ कि हमने अपने अपने छोटे छोटे वो मामलात कायम कर लिए हैं कि जिसका ज़िक्र कोई और करता है हम नहीं करते और जिसका हम करते हैं कोई और नहीं करता। तो छोटी छोटी अपनी दुकानदारी जो है उसमें एक इल्म में इल्मी बात का इजाफ़ा कर लें। ये जो आइम्मा की पूरी चेन है, हज़रत अली अल मुर्तज़ा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम बाकिर, हज़रत इमाम जाफ़िर, इमाम तकी, इमाम नकी, पूरा ये इमामों की पूरी चेन ज़ेन में बिठा लें। ये अहले तशय्यो के इमाम नहीं, ये अहले सुन्नत के इमाम हैं। इन सब के साथ मोहब्बत करना, इन सब के साथ अदब व एहतराम से पेश आना हमारे ईमान का हिस्सा है। आप देखें इमाम आज़म अबू हनीफा जिनसे फ़िक चली है और आज पूरे आलम इस्लाम में आपको अक्सरियत और मजॉरिटी फ़िक हनफी की नज़र आती है, इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद कौन है? इमाम बाकिर और इमाम जाफ़िर रज़ी अल्लाह तआला नुमा। इन दोनों से तमाम उलूम इमाम आज़म अबू हनीफा ने हासिल की। और उसके बाद ये भी बात अपने जहन में बिठा लें कि अहले बैत सिर्फ पंज तन नहीं, हजूर की बीवियाँ भी अहले बैत में हैं और ये जो आइम्मा अहले बैत हैं ये उनके नहीं, ये अहले सुन्नत के भी इमाम हैं। लेकिन ये बात भी जहन में बिठा लें कि जब वो इमाम कहते हैं तो उनका नुक्ते नज़र इनोसेंसी वाला होता है। वो कहते हैं इमाम अल्लाह की जानिब से आता है जैसे नबी किसकी तरफ से आता है। ये बात ज़रा गौर से अपने जहन में बिठा लें, हमारा उनको इमाम मानना और उनका इनको इमाम कहना इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो कहते हैं हमारी तरह जैसे नबी अल्लाह का बरगुजीदा और भेजा हुआ होता है इसी तरह इमाम भी अल्लाह का भेजा हुआ होता है। हम कहते हैं नबी मासूम है, वो कहते हैं इमाम मासूम होता है। ये जो अकीदा है यहाँ पर दराड़े हैं अहले सुन्नत वल जमात में और अहले तशय्यो में और ज़मीन व आसमान का इसके अंदर फ़र्क है। इसलिए ये नोट कर लें जब हम इमाम हुसैन कहते हैं तो हमारे इश्क व मोहब्बत के इमाम हैं, हम जब इमाम हसन कहते हैं तो हमारे इश्क व मोहब्बत के इमाम हैं, जब हम कहते हैं कि आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं तो उनके सेंस में इमाम नहीं है। दो बातें जहन में रख ली है ना जी, वो इमाम को क्या मानते हैं? अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ। उनके नज़दीक इमाम कोई बन ही नहीं सकता अपनी इबादत और रियाजत से, जैसे हम कहते हैं कि इबादत और रियाजत से नबी कोई नहीं बन सकता। आप करोड़ नमाजें भी पढ़ लें, आप अपना सारा कमाया हुआ भी रब की बारगाह में पेश कर दें, आप अपने जिस्म की बोटी बोटी भी करवा दें, नबी कोई नहीं बन सकता। वो कहते हैं इमाम भी कोई नहीं बन सकता। इमाम को अल्लाह भेजता है, अगली बात सुने, इमाम को अल्लाह भेजता है, इमाम के रास्ते की कोई भी दीवार बनेगा हम उसको पाश पाश कर देंगे। इसलिए वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हज़रत अमीर मुआविया के बारे में, क्यों कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा के मुकाबले में जब हज़रत अमीर मुआविया आए तो वो बड़ा गलीज़ कलिमात हज़रत अमीर मुआविया के बारे में कहते हैं।
जैसे हम कहते हैं नबी के मुकाबले में जो भी आएगा वो काफिर है, तो वो भी यही कहते हैं कि इमाम के मुकाबले में जो भी आएगा वो हमारी सफ़ों से खारिज है, वो इसके दुश्मन है। आप इमाम हसन भी उनके नज़दीक उनके क्या हैं, इमाम हैं। इनके मुकाबले में कौन आए थे, हज़रत अमीर मुआविया। इसलिए उनके इमाम के मुकाबले में जो आया वो गलत है, और इतना गलत है कि उसका वो अंदाज़ा नहीं कर सकते। फिर जो है वो इमाम हुसैन के मुकाबले में जो लोग आए वो अहले सुन्नत के नज़दीक भी उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। हाँ, इससे पहले हज़रत अली के मुकाबले में कौन आए, अमीर मुआविया। हज़रत इमाम हसन के मुकाबले में कौन आए, अमीर मुआविया। वहाँ अहले सुन्नत की ज़ुबानें खामोश हैं क्योंकि दोनों जानिब सहाबा हैं, दोनों जानिब कौन है, सहाबा हैं। हज़रत अमीर मुआविया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं, अबू सुफियान की बेटी की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी हुई है, हज़रत उम्मे हबीबा की। तो हज़रत अमीर मुआविया तो मोमिनीन के खालू हैं और कातिब वही हैं, और हजूर के साथ उन्होंने अरसा गुजारा है, और फिर पूरे मुसलमानों पे बशमूल सहाबा के कितने साल हुक्मरानी की है, 40 साल, 20 साल बतौर गवर्नर और 20 साल बतौर मरकज़ में खलीफा के। इसलिए अमीर मुआविया के मुकाबले में, हज़रत अली मुर्ज़ा के मुकाबले में हमारी ज़ुबानें एक लफ्ज़ भी नहीं कहती, वो दोनों सहाबा थे। हाँ, हम इतना ज़रूर कहते हैं कि ज़्यादा ठीक जनाब शेर खुदा मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्ज़ा थे, ज़्यादा ठीक। हम ये नहीं कहते कि एक गलत था एक ठीक था, हम कहते हैं ज़्यादा ठीक जनाब मौलाए कायनात थे, और कम ठीक कौन थे, बस ये हमारी ज़ुबानें हैं। लेकिन जब मामला सहाबा से आगे निकल जाता है तो यजीदी लश्कर में इब्ने ज़ियाद जैसा बंदा, और जिसको लोग फितना करते हुए कहते हैं सहाबा की औलादों ने अहले बैत के परखचे उड़ा दिए, इब्ने साद जैसा बंदा सहाबा की औलाद है और इन्होंने उड़ा दिया जनाब इनको अहले बैत को, वहाँ हम कभी भी उनके लिए भी अपने दिल में कभी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते। इब्ने साद किसकी औलाद हैं, साबिया रसूल की, हमारे नज़दीक वो मोतबर नहीं है। वो बदबख्त आदमी है जिसने नवासे रसूल पे और आपके ख़ानदान पे तलवार उठाई है। इब्ने ज़ियाद गवर्नर है, मुसलमानों के दिलों में कभी भी उसके लिए अहले सुन्नत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए मौजूद नहीं है। ये फ़िक्री तौर पर आपके जहन में बात बैठ गई। अब आगे चलें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी दुनिया में रहते हुए वाकया करबला के जितने जालिम थे उनको बुरे अंजाम से दो चार किए। ये वाकया कब पेश आया था जी, 61 हिजरी में। अभी उसके बाद यजीद जो है वो 63 हिजरी में गालिबा कुछ अरसे बाद यजीद जो है वो रुखसत हुआ इस दुनिया से। लेकिन रुखसत होने से पहले उसने एक और गंदा काम ये किया कि एक शख्स मजीद बच गया था, जिन चार लोगों की मैंने बात की ना, इमाम अली मकाम तो आ गए इधर, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास, उन्होंने मामला कहा कि हम भाई इस फितने में नहीं पढ़ना चाहते कि मुसलमान फौजें आपस में आ जाएं, हमें अगर बैत करना भी पड़ी तो हम बैत कर लें। एक बंदा बच गया था, वो कौन था, अब्दुल्ला बिन जुबैर। अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्के में ही थे जब वाकया करबला हो गया, इमाम पाक की शहादत की खबर पहुँच गई, तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मक्के के अंदर खिलाफत का ऐलान कर दिया। आपने फरमाया कि अब ये यजीद इस काबिल नहीं है, मैं अपनी खिलाफत का ऐलान कर रहा हूँ ताकि हम इमाम हुसैन के कातिलीन का बदला भी दें और उम्मत मुस्लिमा को इस बदबख्त आदमी से हम निजात भी दिलाएं। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर जब खड़े हुए तो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए यजीद ने एक और लश्कर भेजा जो इब्ने उकबा की क़ियादत में आया, और इसको वाकया हिर्रा या वाकया हर्रा के नाम से दुनिया जानती है। ये तीन चंद दिन मदीने में रहे, इन्होंने पूरे मदीने को हलाल कर दिया, घोड़े मस्जिद नबवी के अंदर बांधे गए, इसके अलावा औरतों की इज्जत पामाल की गई। इस गंदे काम का सेरा भी तारीख इस्लामी में यजीद के सारे। लेकिन वाकया आगे बढ़ता गया, अब जो यजीद की, अच्छा यजीद की उम्र कितनी थी जब वो फौत हुआ, 61 हिजरी में वाकया करबला हुआ, 64 हिजरी में यजीद मर गया, और आप अंदाज़ा फरमाएं इसकी उम्र है सिर्फ़ और सिर्फ 39 ईयर। यजीद की उम्र कितनी है, 39 साल सिर्फ यजीद की उम्र है जिसने ये वाकया करबला बपा किया। यजीद के बाद एक शख्स बना खलीफा जो यजीद का बेटा था, जिसका नाम मुआविया था, मुआविया बिन यजीद। लेकिन तारीख़ में, तारीख़ की किताबें ये कहती हैं कि ये बाप की तरह नहीं था बल्कि ये अपने दादे की तरह था, नेक आदमी था, इतना बुरा आदमी नहीं था, और इसने खिलाफत जो है उसको ठोकर मार दी, और इस खलीफा अपॉइंट होने के 40 दिन बाद ही वो बाहर नहीं निकला, वो अंदर ही रहा और
उसने अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी और उसने उस तख्त पर बैठना गवारा नहीं किया कि जिस तख्त पर बैठना आले रसूल की कुर्बानी के बाद था। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें तो 3-1 साल बाद, यानी ये बात कब थी, 64 हिजरी की, और 3-1 साल बाद यानी 65, 66, 67 और 68 हिजरी के करीब बनू उमैया में से एक शख्स उठा जिसका नाम था मुख्तार सकफ़ी। क्या नाम था? मुख्तार सकफ़ी। अल्लाह ने उसे बड़ा काम लिया, अंजाम उसका बजाते खुद ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसने चुन चुन के कातलीने अहले बैत को उस बुरे अंजाम से दोचार किया जिस तरह इब्ने ज़ियाद और इब्ने साद के लश्कर ने अहले बैत के ऊपर जुल्म ढाए। इनकी तफसील भी इस किताब के अंदर मौजूद थे, आप देखिएगा, और ये हमारी सही हदीस की किताबों में बातें मौजूद हैं। जिस जिस कैफियत में इन लश्करियों ने इमाम पाक के ख़ानदान पे जुल्म किया था, मुख्तार सकफ़ी ने उसी तरीके पर इनके इब्ने ज़ियाद का सर उड़ा दिया। मुख्तार सकफ़ी ने जब लड़ाई हुई और एक लश्कर भेजा गया इब्ने ज़ियाद के साथ, और कुदरत खुदावंदी देखें, 3-4 सालों बाद 10 मुहर्रम का ही दिन है और वो ही मकाम है जब इब्ने ज़ियाद का सर भी उसके तन से जुदा कर दिया जाता, और ये करता कौन है? मुख्तार सकफ़ी, बनू उमैया का एक हुक्मरान, एक गवर्नर है, जिसका मिशन ही ये था कि मैंने वो लोग ख़त्म करने हैं जिन्होंने इमाम अली मकाम के ऊपर इतना जुल्म किया है। और तिर्मिज़ी की हदीस मुबारक है कि जब इब्ने ज़ियाद का सर तन से जुदा हो गया तो तिर्मिज़ी की रवायत है कि लोगों ने देखा एक सांप आया, 3 दफ़ा उसकी नाक में दाखिल होकर उसके मुंह के रास्ते से निकला, और ये इबरतनाक अंजाम वहाँ पर सैकड़ों और हज़ारों लोग देखने वाले थे। इसके अलावा शिमर था, खोली था, मज़ीद जितने बदबख्त लोग थे इनको इसी शख्स ने जिसको मुख्तार सकफ़ी कहते हैं इनके बुरे अंजाम से दो चार किया। हत्ता कि इसी किताब में हवाले के साथ लिखा हुआ है 6,000 वो लोग जो वाकया करबला में इमाम आली मकाम के मद्दे मुकाबिल आकर लड़े थे और अहले बैत का खून किया था, इन 6,000 लोगों को तकलीफ़ें दे देकर इस मुख्तार सकफ़ी ने इस दुनिया से रुख्सत किया और इनको वासिल जहन्नम की। और आज आप देखें तो वाकया करबला के असरात उम्मत मुस्लिमा आज भी भुगत रही और ये क़यामत तक भुगतने हैं उम्मत। उसकी वजह यह है कि उम्मत कातलीने इमाम हुसैन में उम्मत के गिरोह शामिल हैं, कलमा गो लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, लेकिन सहाबा तो वराउल वरा हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं इनके इस अमल की वजह से आज उम्मत मुस्लिमा इस नतीजे को भुगत रही है और हमारी नस्लें जहालत के रास्तों पर गामजन हैं। मेरी बात आप महसूस करें या आप इससे नाराज़ हों, आपका पूरा निज़ाम तालीम इमाम हुसैन की इस शहादत के नतायज के तौर पर आज डी ट्रैक हो चुका है। आज आप देख लें उम्मत मुस्लिमा में हरमैन में बैठे हुए वो लोग भी उम्मत को हाथों हाथ बेच के कहाँ भेज रहे हैं, ये उम्मत मुस्लिमा इनके नतायज भुगत रही और ये हर सदी में भुगतती है, ये कभी एक दफ़ा नहीं भुगतती। आप इससे पहले देखें ऑटोमन एम्पायर थे, 624 साल तक दुनिया पे हुक्मरान रहे, लेकिन जब इस्लाम मतमय नज़र नहीं रहा अल्लाह ने उनको रिप्लेस कर दिया, फिर आले सऊद आए, अब 100 साल होने को है और अब आले सऊद मुसलमानों को कहाँ बेच रहा है ये मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। इसलिए आज का दिन तौबा का दिन है, इस्तिग़फ़ार का दिन है, इमाम अली मकाम और अहले बैत के साथ अपनी मोहब्बत और उनके साथ खड़ा होने का दिन है, और अमली लिहाज से आज के दौर में कुरान और सुन्नत से जुड़ जाने का नाम वाकया करबला है। लेकिन मेरे भाइयों कोई तब्दीली नहीं आती, आपने यहाँ बैठकर तो कुरान पढ़ा, एक अच्छा अच्छी रवायत मस्जिद में है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी महाफिल से बेहतर प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं, लेकिन क्या बाहर भी ऐसा ही हो रहा है जहाँ हज़ारों और लाखों लोग वाकया करबला मना रहे हैं? नहीं, आप लोगों को तरगीब दें, कुरान की तरफ आ जाएँ, इमाम अली मकाम आपसे खुश हैं, अल्लाह के नबी के निज़ाम की तरफ आ जाएं तो इमाम पाक आपसे खुश हैं, लेकिन जो मेरा और आपका लाइफस्टाइल है मैं गारंटी से कहता हूँ इसमें इमाम पाक उम्मत मुस्लिमा से खुश नहीं है। अलामा इकबाल ने क्या बात की है, अलामा इकबाल फरमाते हैं, अगर पंदेज़ दुर्वेशे पजीरी 1,000 उम्मत बमीरत तू न मीरी बतूले बाश व पिन हाँ शो अजी असर के दर आगोश शब्बीर बगीरी। कायनात की बेटी को बता दो, उम्मत मोहम्मदिया की बेटी को बता दो कि अगर मॉडल बनाना है और अगर अपना रहबर बनाना है तो फिर फातिमा तुज़ारा को बना दो, अगर फातिमा बन जाओगी या फातिमा की ग़ुलामी में आ जाओगी तो तुम्हारी गोद में भी अल्लाह हसन व हुसैन के ग़ुलाम अता फरमा दे।
लेकिन ऐसा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने वो सलाम पेश किया है, क्या बात रज़ा इस चमनिस्तान करम की, ज़ारा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और फिर फरमाते हैं, पार हाय सुखुफ़ गुंचा हाय कुदस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, वो आब तत्हीर है जो आके दो जहाँ का खून है फातिमा तुज़ारा में और बनु हाशिम का अली और मुर्तज़ा में, ये पाक पानी है जिससे पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम, वो जो बाग है नबी पाक सल्लम का उस पे लाखों सलाम। और खून खैर और रसुल से है जिनका खमीर, खून खैर और रसुल यानी हजूर से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा जहरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा सैयदुल असखिया राकेबे दोशे इज़्ज़त मुस्तफ़ा पे, ये वो हदीस है, हदीस का तर्जमा है कि उनके कंधों पे सवार थे नबी पाक सल्लम के। और फरमाया, उस शहीद बला शाह गुल गूं कबा बेकसे दश्त गुरबत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला फजल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, और इमाम पाक के बाबरकत खून की बरकतों से मुल्क पाकिस्तान में ख़ास तौर पर और पूरी उम्मत मुस्लिमा में अमूमी तौर पर अल्लाह अमन कायम फरमाए।